आजकल 2-3 दिन से देख रहा हूँ, लोगों को थोड़ा डर हुआ है कि होंडा भी शायद छोड़ देगी इंडिया। अच्छा, कि फोर्ड तो चली गई है, तो होंडा किसको रखना है यार, चाहे ये 15 किलोमीटर चले दिन में, चाहे महीने में 15 किलोमीटर चले, इसको नहीं बेचना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज एक और स्पेशल गाड़ी है चंडीगढ़ के अंदर, वो है होंडा अमेज। संजीव जी की गाड़ी है। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और खास बात बताइए क्या है इसमें, अब वीडियो बनाने का इतनी पुरानी गाड़ी का मतलब क्या बनता है? ये गाड़ी चली हुई है 3,70,000 किलोमीटर, डीजल वेरिएंट है ये। और कौन सा मॉडल है ये? सर ये 2013 मॉडल है और एस वेरिएंट है। अच्छा, अमेज का। ये बताओ यार, इतनी चला दी अभी तक, कोई इंजन में दिक्कत वगैरह नहीं? ये ऐसे मेजर तो खैर कोई नहीं हुई, बाकी अच्छा। एक चीज़ हमने जो अपनी तरह से रखी हुई है कि सर्विस टाइम टू टाइम होती है। अच्छा। क्योंकि शॉफर ड्रिवन गाड़ी है तो उनकी ड्यूटी होती है कि टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहना। सर सर्विस कराओगे तो गाड़ी कभी ख़राब नहीं होगी, चलती रहेगी, बाकी सफाई यही चाहिए होता गाड़ी को। इतने सालों में कभी इसने परेशान किया है, धोखा दिया है इतना चलने के बाद? सर धोखा तो कभी नहीं देगी अगर टाइम पे खाना देते रहेंगे इसको। अच्छा। बट ऐसा है कि सर देखो, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो सर्विस सेंटर तो जाना जरूरी है ही है। अच्छा, ये बताओ कि क्या मतलब एक्सपेंसेस रहे इसके पूरे मेंटेन करने के गाड़ी? सर देखो, एक्सपेंसेस तो देखो ज़्यादा मॉडिफिकेशन वगैरह तो नहीं कर रखी गाड़ी में, जैसे थी वैसी की वैसी ही है ये। बाकी एक्सपेंसेस तो सर सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के आए हैं। बाकी कुछ मेजर सर्विसेज होती थी, जैसे ब्रेक पैदल वगैरह लगा चेंज होते हैं वो, बाकी कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है गाड़ियों में, तो मेजर तो वही हुआ सर, वैसे तो कुछ और खर्चा नहीं। कितना मतलब खर्चा आता है सर्विस में? होंडा के अंदर होती है या फिर बाहर होती है? नहीं सर, होंडा में ही कराते हैं। अच्छा, होंडा में ही करवाता आ रहा हूँ अब जितनी हुई है। कितना खर्चा आता है वहाँ पर? सर 5,000 तो आता ही आता है, 4,500 से 5,000। हाँ जी सर, 4,500 से 5,000। अच्छा, इतना आता है। अगर मेजर होती है तो कभी कभी सर वेरी कर जाता है, कभी 7,000 भी आ जाता है, कभी 6,000 भी आ जाता है। कहते हैं होंडा की सर्विस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जिस हिसाब से बता रहे हैं डीजल गाड़ी की। नहीं, नहीं। उस हिसाब से तो काम है सर। ये गाड़ी इतनी हमारे लिए बहुत लकी गाड़ी थी, 2013 में ली थी हमने ये गाड़ी। तो हमको देख के हमारे रिलेटिव 2-3 हैं तो उन्होंने भी ही ये गाड़ी ले ली, सेम यही 2015-16 मॉडल है उनका, मुझे मॉडल एग्जैक्ट नहीं पता, बट उन्होंने ले ली थी 2-3 साल के बाद भी। ये बताओ अभी वाली अमेज देखिए, ट्राई करके देखिए आपने, चला के चलाई है सर। हाँ। लेकिन मेरे घर वालों को उसकी पीछे से लुक अच्छी नहीं लगती, आगे से उनको अच्छी लगती, थोड़ी बोल्ड लुक है। फील में क्या अंतर? फील में सर देखो सेम है, कम्फर्ट वैसा ही इसका है, वैसा ही उसका सेम। अच्छा, हाँ जी सर। बाकी ये है कि हमारा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, हमारी 2013 में पहली गाड़ी थी होंडा की। अच्छा, जैसे भी चलाई है, मैंने भी चलाई है, फादर साहब ने भी चलाई है, मदर ने भी चलाई है, ड्राइवर भी चलाते हैं, ब्रदर भी चलाता है। तो इसके बाद हमने अभी लास्ट 2021 में हमने फरवरी में होंडा अमेज होंडा सिटी भी ली है। अच्छा, वी मॉडल फिफ्थ जनरेशन। अच्छा ये बताओ, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन हो जाता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी मतलब वेट अगर देखा जाए दरवाजों का या फिर मटेरियल की क्वालिटी और अभी की क्वालिटी में कितना अंतर आया है? सर देखो, अब हर आजकल तो आपको पता है सर, ट्रेंड है, कंपटीशन इतना हो रखा है। हाँ। तो हर कंपनी कॉस्ट कटिंग तो सर करेगी। बाकी मेरी वाली जो ये जो थी, इसमें तो आप चलाओगे तो यू विल फील सेफ। जब आप गाड़ी में बैठ के गाड़ी चलाओगे तो यू विल फील सेफ, आपको ऐसा कुछ लगेगा कि मेरी गाड़ी हल्की है या ना हम जब टर्न लेते हैं तो एक साइड हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बॉडी रोल का भी टेंशन नहीं होगी इसमें आपको। बाकी सर ये है कि 80 और 100 की स्पीड में चलाओगे तो बताओगे सर सेफ, अगर इससे ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करोगे तो सर भगवान भरोसे। एवरेज क्या निकाल रहे हो उससे? सर करंटली मेरे को 2013 से लेके आज तक, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे को 20 से नीचे इसने कभी दी नहीं। अच्छा, इस टाइम करंट इसकी 23.1 है, चाहे आप ओडोमीटर देख लो अभी। सिटी में 20? सर सिटी में। अच्छा, सिटी में हाईवे में देगी आपको 24 या 25। आप चेक करो सर अभी, आप ओडोमीटर आपके सामने चला के हैं, आप चलाओ भी आपको पता लगेगा। बिल्कुल, तो जब चला के ही देखते हैं यार, मैं बड़ा ही इंटरेस्ट रखता हूँ इस गाड़ी को चलाने में। चलो आ जाऊं। ये देखो, इतना ज्यादा चलने के बाद स्टीयरिंग यहाँ पर पूरा घिस चुका है, ये इसका रबर। तो अब इसको चलाकर देखते हैं। हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो गई गाड़ी, थोड़ा सा आवाज बढ़ चुकी है, पहले भी ऐसी आती थी या थोड़ी अब नहीं, बढ़ी? सर टाइम से जैसे ज्यादा चलती रही है तो थोड़ी सी आवाज बढ़ गई है इसकी, इंजन नॉइज थोड़ी बढ़ गई, केबिन में आपको सुनाई देगी आराम से। गियर भी थोड़ा सा नौची हो चुके हैं अब इसके। सही है, उठ तो सही रही है यार। नहीं सर, पिकअप अभी भी वैसा ही है इसका। हाँ। थोड़ा सा को इफेक्ट और पड़ेगा ही, बट हाँ। पिकअप जब चलाओगे ना तो आपको पता लगेगा, पिकअप वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं गाड़ी में। सही कह रहे हो यार आप। वाह,
एक दिमाग में आ जाता है ना कि इतनी चली हुई है और ऐसा परफॉर्म करेगी, लेकिन उसके अपोजिट है पूरी ये गाड़ी। हाँ वही बोल रहा था आपको कि सर गाड़ी में कभी कोई फॉल्ट नहीं आएगा, गाड़ी आप जितनी ज्यादा लंबी चला सकते हो चलाओ, बट गाड़ी को सिर्फ यही है कि सर्विस और टाइम, सर्विस टाइम पे टाइम कराओगे आपकी गाड़ी आपको कभी धोखा नहीं देगी सर। अब हमको लोग हैरान होते हैं कि यार तुम्हारी गाड़ी लगती नहीं है, ये 370 चली हुई, तुम मजाक कर रहे हो। मैं भैया ऑडोमीटर देखो यार आप, तब बिलीव करना मेरे पे। वैसे अभी इसके सस्पेंशन आवाज कर रहे हैं। हाँ जी सर, सस्पेंशन का काम। हाँ जी सर, वो सर्विस में होगा, वो सर्विस वाले जब लास्ट सर्विस कराई थी तो उन्होंने बोला था कि इसके आगे सस्पेंशन का काम होने वाला है और इसकी जो आगे रॉड होती है वो थोड़ी बेंड है, वो उसको सर सीधा करना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले सस्पेंशन का काम हुआ है क्या इसमें? सर शायद एक बार हुआ था, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि मोस्टली जो मेरे ड्राइवर अंकल हैं वही मतलब सर्विस करवाते हैं इसकी। इस साल मतलब हमें पता है कि इसका काम होने वाला है, क्योंकि हमारे एक एस्टिमेट बता दिया था उन्होंने कि 60-70 हज़ार का काम होगा। ओके, तो अब वो देखो सर वो कब कराना है वो, क्योंकि इसमें ना ये प्रॉब्लम है कि जब 100 या 110 पे गाड़ी चलती है ना ये, तो थोड़ी सी वाइब्रेशन आती है गाड़ी में, बाकी इसमें और कोई चलाने में, जैसे अगर हम नॉर्मल 60-70 पे चला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये फील नहीं कर रहे हो कि स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड हो गया इसका? हाँ सर हुआ है। बट टर्बो का फील जो है ना आज भी वैसी दे रही है ये। यहाँ आ गई वाइब्रेशन थोड़ी सी, अब जरा देखोगे ना तो ये स्टीयरिंग में वाइब्रेशन है, ये अलाइनमेंट की भी दिक्कत है। और जब तक सस्पेंशन का काम होगा, काम सर जब होगा तभी और सब कुछ ठीक होगा, जब तक सस्पेंशन का काम नहीं होगा ये होते रहेंगे वाइब्रेशन। ये बताइए कि कहाँ कहाँ ले गए हो इसको यार? सर ये दिल्ली तो एन नंबर ऑफ टाइम्स जा चुकी है। अच्छा। बाकी ये है कि एक बार ये वहाँ पे भी गई थी, उत्तराखंड भी गई हुई है। अच्छा, बाकी अच्छा। सर लोकल तो चलती है, क्योंकि 150 किलोमीटर तो ये रोज चलती थी गाड़ी। बाकी मेरा ये वीडियो बनाने का आपको इसलिए था क्योंकि ना आजकल 2-3 दिन से देख रहा हूँ लोगों को थोड़ा डरा हुआ है कि होंडा भी शायद छोड़ देगी इंडिया। अच्छा, कि फोर्ड तो चली गई है तो होंडा भी चली जाएगी, लेकिन मैं सच में मेरे बहुत फ्रेंड्स के पास है होंडा सिटी पेट्रोल वर्जन, तो मेरे को पेट्रोल तो पता है इनका इतना रिफाइंड इंजन है, बट जब ये जो डीजल मैंने चलाई है मेरे पास मैंने आज तक नहीं देखा किसी ने इतनी चला रखी है, तो मैं इतना खुश हूँ इस अपनी गाड़ी से कि मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि यार ऐसा नहीं है, होंडा इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, उनके डीजल इंजन पे तुम लोग ट्रस्ट करो। ठीक है मार्केट में और भी हैं, थोड़े प्राइजेस होंडा के सर थोड़े हाई हैं, बट जो ये क्वालिटी दे रहे हैं सर दैट इज अनबीटेबल। बट एक चीज और है कि जो अभी जो एग्जिस्टिंग अमेज है ना, जी जी सर, उनके ओनर्स उतने ज्यादा सेटिस्फाई नहीं है उस गाड़ी सर। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हर कंपनी आज के टाइम सर कॉस्ट कटिंग कर रही है, अब इन्होंने भी थोड़ा सा वेट कम करा है। अब आप इस गाड़ी से कंपेयर करोगे तो वेट में बहुत इशू होगा, देखना आप कितना फर्क होगा वेट में। बट ये है कि अगर आप इंजन वगैरह देखोगे जिसको अपनी ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है तो बंदा रिलायबल हो सकता है होंडा ब्रांड के लिए। और क्या चाहिए यार गाड़ी से, इतना चल चुकी है और अभी भी चलती जा रही है, थोड़ा सा खर्चा आएगा और वो जायज भी है। सर देखो गाड़ी ने इतना दिया है, 370 चल गई है सर, तो थोड़ा सा सर रिपेयर मांगेगी बिल्कुल मांगेगी। और होंडा वालों ने ये नहीं बोला कि इसके इंजन में कोई काम वगैरह आने वाला नहीं, है नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने सर मतलब होंडा के मैं एक तारीफ जरूर करूंगा, जो जितने भी उनके स्टाफ हैं वहाँ पे एजेंसीज में, चाहे कोई भी एजेंसीज में चले जाओ, जितने भी स्टाफ सर इतने फ्रेंडली है ना वो, दे डोंट वांट कि आपको कोई गलत गाइडेंस दे, वो हमेशा आपको सही गाइडेंस देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम गलत बोल के पैसा कमा लें, सर बिल्कुल भी नहीं। मैं अलग अलग मैं खन्ना भी गया हूँ, मैंने चंडीगढ़ से भी सर्विस करा रखी है, मैंने अपने एरिया से भी सर्विस करा रखी है, मैंने हर जगह से सर्विस करा रखी है, स्टाफ हर जगह ही सेम। अब मैं होंडा सिटी लेके जाता हूँ अपनी, तो वहाँ पे भी सर ऐसा ही है, उन्होंने सिर्फ बोलना कि सर इसमें ब्रेक लेदर चेंज करने हैं तो वो सर वो कर लीजिए। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है, अगर घिसने के सर थोड़ा सा रहता भी है ना तो वो मना कर देंगे कि अब मत डलवाओ, अगली बार डलवा लेना। अच्छा, होंडा से कुछ ज्यादा ही प्यार है आपको सर? अब जिस गाड़ी ने 370 मतलब चल गया, 370 आराम से खींचती मेरी गाड़ी, मैं इतना खुश हूँ उससे। तो सर होंडा तो मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, हम होंडा सिटी जब लेने गए थे तो हमने इसको वापस करना था। अच्छा, हमने कहा चलो एक्सचेंज में हो जाएगी, बट वो बड़े बुजुर्गों ने बोला कि नहीं जी लोहा अच्छा इसको तो बेचना ही नहीं है, तो हमारा फिर थॉट जीरो हो गया और ऑन द स्पॉट उसको बोला यार पेमेंट पकड़ होंडा सिटी दे दे। एसी वगैरह कोई काम हुआ है, सर्विस वगैरह? सर एसी की तो चलो सर्विस हो जाती है, समर शुरू होती है तो वही फरवरी मार्च में हम एक बार एसी की सर्विस करवा लेते हैं, चाहे जरूरत हो ना हो हम करवा लेते हैं, क्योंकि बाद में इशू ना हो। आप एसी चला के देखो, एसी की पावरफुल है, वो चीज करी मैंने महसूस, जब ये टर्बो में खींच रही है ना तब सबसे ज्यादा खुशी हो रही है मुझे, बेझिझक चल रही है आज की तारीख में। अभी
यार एक बार बताओ, एवरेज भी अच्छा मिल रहा है साला, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, क्या मतलब इसको बेचना क्यों है? नहीं मतलब सर वही है ना, एक होता ना कि अब चलो 7-8 साल, क्योंकि सर देखो मैंने बताया आपको पहले इंडिगो थी, तो इंडिगो भी अच्छी चल पड़ी थी हमारी, तो वो भी चलो सेल करी, तो होता है ना कि एक नई गाड़ी ले रहे हैं यार चलो पुरानी दे देते हैं, बट वही है ना जब बड़े बुजुर्ग ने बोल दिया कि नहीं बेचनी, तो फिर बस सर फिर सेकंड राउंड खत्म, फिर इसको बोला कि इसको रखना है यार, चाहे 15 किलोमीटर चले दिन में चाहे महीने में 15 किलोमीटर चले, इसको नहीं बेचना, क्योंकि सर जब गाड़ी की तरफ से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो फिर आपकी बात भी ठीक है कि बेचने वाला लॉजिक ही नहीं है कोई, जब गाड़ी में कोई इशू ही नहीं है। तो दोस्तों ये था अमेज का एक्सपीरियंस, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये, 370 चल चुकी है गाड़ी और कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, साथ निभा रही है। अगर आपके पास है अमेज डीजल में तो आप इसको रख सकते हैं और लंबा चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, टाइम टू टाइम आपको सर्विस करवानी है बस। और संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद इनपुट देने के लिए, काफ़ी लोगों के डाउट क्लियर होंगे इस वीडियो के थ्रू। तो बस यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय।